सोर्स के करैक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला गुड सोर्स ऑफ एनर्जी जो होते हैं उनके करैक्टर, फर्स्ट करैक्टर है प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ हीट पर यूनिट मास, कि जितनी हम लोग फ्यूल की एक मास यूनिट ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो हीट वो प्रोड्यूस करे वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा ह्यूज वर्क डन पर यूनिट मास, जितना भी हम लोग मास ले रहे हैं एनर्जी के सोर्स का उसके अकॉर्डिंगली उसको वर्क डन काफ़ी ज़्यादा देना चाहिए। तीसरा इजीली असेसेबल, इजीली असेसेबल का मतलब क्या है कि हमें आसानी से वो मिल सके। अब ऐसा नहीं है कि खाना पकाना है जंगल में बैठा और उसी टाइम लकड़ियाँ ढूंढने चले गए, हमारे पास जो एनर्जी का सोर्स है वो आसानी से हम लोगों को मिलना चाहिए, हमारी पहुँच में होना चाहिए। नेक्स्ट है ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, जो एनर्जी का सोर्स हो उसको हम लोग स्टोर कर सकें लेटर यूज के लिए और आसानी से उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। इकोनॉमिकल, वो हमारी जेब के ऊपर भी हल्का पड़ना चाहिए, ऐसा ना हो कि सोर्स तो एनर्जी का अच्छा हो लेकिन उसके पैसे इतने ज़्यादा लग जा रहे हो कि हम उसको ज़्यादा अफोर्ड ही ना कर पाए तो भी वो हमारे लिए यूजलेस है। और नेक्स्ट है और लास्ट है लेस स्मोक एंड पोल्यूशन, एनर्जी का जो भी सोर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसे पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए और कम से कम स्मोक प्रोड्यूस करनी चाहिए। तो ये सारे करैक्टरिस्टिक हैं एक अच्छे फ्यूल के, अच्छे एनर्जी के सोर्स के। ऐसा कोई भी एनर्जी का सोर्स या फ्यूल जो इन सभी करैक्टरिस्टिक को फुलफिल करे वो हमारे लिए अच्छा एनर्जी का सोर्स है। अब हम कुछ कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेज की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, जो हमारा कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उनको फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। उनको फॉसिल फ्यूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो कोल है और पेट्रोलियम है दोनों ही पुराने एरा में, यानी कि मीज़ोज़ोइक एरा हो गया, पेलियोज़ोइक एरा हो गया, उस एरा के दौरान एनिमल्स और प्लांट्स के डेड डिके रिमेन से बने हुए हैं। असल में पहले के टाइम में जब एवोल्यूशन हुआ तो क्या हुआ कि मान लीजिए जैसे डायनासोर्स का टाइम हो गया, उस टाइम के आसपास या उससे थोड़ा बाद क्या हुआ कि जो किसी वजह से डिस्ट्रक्शन हो गई नेचर की, जो एनिमल्स थे वो ख़त्म हो गए, उनके ऊपर कोई मीटियोराइट शावर हो गया या ऐसे किसी भी रीज़न की वजह से वो एनिमल्स ख़त्म हो गए। एनिमल्स और प्लांट्स के ख़त्म होने से क्या हुआ कि उनको डीकम्पोज होने का टाइम नहीं मिला, उन टाइम मिला और उनके ऊपर सॉइल की लेयर्स चढ़ती गई। इस तरह वो जो एनिमल्स के डेड डिकेइंग रिमेन्स थे एनिमल्स और प्लांट के, वो मिट्टी की परतों के नीचे दबते गए और कई हज़ार साल बाद वो जो डेड डिके रिमेन्स थे प्लांट्स के और एनिमल्स के, उनसे हमारा अर्थ के हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से उनसे हमारे फॉसिल फ्यूल बन गए पेट्रोल, डीजल और कोल। जो तो प्लांट्स थे उनके रिमेन से बना कोल और जो हमारे एनिमल्स थे उनसे हमारा बना क्रूड ऑयल, जिससे आगे जाके हम लोग डीजल और पेट्रोल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसीलिए इन फ्यूल्स को बोला जाता है फॉसिल फ्यूल। अब जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनमें मोस्ट पॉपुलर हम लोग देख लेते हैं पेट्रोल, कोल जो है सबसे ज़्यादा फेमस हैं और इन्हीं को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। लेकिन अब इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, अगर ये एनर्जी के अच्छे ही सोर्स हैं तो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम ये है कि ये एग्जॉस्टेबल हैं और नॉन रिन्यूएबल हैं। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और दोबारा इन्हें जल्दी से बनाने का कोई तरीका नहीं है। क्यों, क्योंकि इन्हें बनने में ही मिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं, इसीलिए हम लोग इन्हें दोबारा आसानी से नहीं बना सकते। तो इसीलिए हम लोगों को ज़रूरत है कि हम लोग अपने कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेज से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की तरफ मुड़ना शुरू कर दें, एनर्जी के नए नए सोर्सेज को हम लोग डेवलप करें ताकि हम लोग अपनी एनर्जी की नीड्स को पूरा कर सकें। अब देखिए हमारे आज की दुनिया में अगर बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एनर्जी का सोर्स है वो है इलेक्ट्रिसिटी। अब दो मिनट के लिए आप लोग इमेजिन कीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, पंखे बंद हो जाएंगे, टीवी बंद हो जाएगा, इंटरनेट नहीं चल पाएगा, सब का सारा सिस्टम ठप हो जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कोल, और कोल तो हम लोगों ने अभी बात की कि ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो इसके लिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब मैनकाइंड कर क्या रही है
कि ये एनर्जी के ऐसे सोर्सेस पैदा कर रही है, ऐसे नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं जिनसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो है कोल और पेट्रोलियम के बिना बना सके। तो चलिए अब हम लोग वैसे ही एनर्जी के कुछ सोर्सेज को यहाँ पे डिस्कस। हमने एनर्जी के एक अच्छे सोर्स की बात कर ली है, जान लिया है कि एनर्जी का अच्छा सोर्स होता क्या है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे पहले एनर्जी के सोर्स थे, कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्स थे, और अब उनको कैसे रिप्लेस किया जा रहा है। एक करके हम लोग एनर्जी के जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उन सबको अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जो पहले प्लांट्स यूज़ किए जाते थे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, वो थे थर्मल प्लांट। थर्मल प्लांट, थर्मल आप लोग वर्ड से समझ रहे हो, इट इज़ रिलेटेड टू हीट। तो इसका हीट का इसमें क्या यूज़ था कि इसमें कोल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। हाई अमाउंट ऑफ कोल इज़ कंज्यूम्ड इन दिस काइंड ऑफ प्लांट्स। होता क्या था कि कोल से वाटर को, बहुत ज़्यादा पानी को गर्म किया जाता था जिससे उसकी स्टीम बनती थी, और फिर उसी स्टीम को यूज़ किया जाता था टर्बाइन्स घुमाने के लिए, और उन टर्बाइन्स से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। लेकिन जो कोल है, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है और बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो इसीलिए इन प्लांट्स को अवॉइड करके फिर नई नई एनर्जी के सोर्स, नई नई एनर्जी के पावर प्लांट्स लगाए जाने लगे, जिनमें से एक है हाइड्रो पावर प्लांट्स। हाइड्रो वर्ड का मतलब है वाटर। जहाँ पे भी वर्ड आ जाए थर्मल, दैट इज रिलेटेबल टू हीट, एंड जहाँ पे भी वर्ड आ जाए हाइड्रो, दैट इज रिलेटेड टू वाटर। तो अब हाइड्रो पावर प्लांट्स क्या होते हैं, जहाँ पे वाटर की हेल्प से हम लोग टर्बाइन घुमाते हैं ताकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। अब हम लोग इस तरह के पावर प्लांट्स को कैसे यूज़ करते हैं, आप लोगों ने नोट किया होगा कभी भी, या फिर अगर आप स्टडी करें डैम्स के बारे में, तो आप देखेंगे कि पिछली एक सेंचुरी से जो डैम्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन होनी बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत ज़्यादा नए डैम्स पिछली एक सेंचुरी में ही बने हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि डैम्स की हेल्प से हम लोग एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब पानी हाइट से गिरता है, और मान लीजिए यही है, यहाँ हाइट से पानी गिर रहा है, तो इससे ये जो टर्बाइन है ये घूम रही है, और इस टर्बाइन के घूमने से इस पावर हाउस में एनर्जी जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है जिसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अब क्या है कि बहुत ज़्यादा नेचुरल वाटरफॉल्स तो है नहीं जिनको हम लोग यूज़ कर सकें, इसीलिए जो डैम्स की कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट कर दिए। अभी ये आप लोग एक डैम का डायग्राम ही देख रहे हैं। बहुत सारे मैन मेड डैम्स हैं जिनको बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। और डैम से हम लोगों को एक और फ़ायदा मिला, वो क्या हुआ कि जो डैम है, डैम से जो वाटर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, उसको वापस इसी रिजर्वायर में लेके आना बहुत मुश्किल है। तो डैम से निकलने वाले वाटर को फिर आगे रिवर्स में डिवाइड कर दिया गया। डैम से जो वाटर निकलता है उसकी आगे मैन मेड कैनाल्स और रिवर्स बना दी गई, जिनसे बहुत दूर दूर तक के इलाकों को पानी मिलने लगा, और वहाँ पे भी जो एग्रीकल्चर था, किसान था, वो प्रॉस्परस हो गया। लेकिन अब जो डैम्स हैं उनके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं, कुछ बहुत ही डार्क साइड भी है। वो कैसे कि एक तो जो डैम है इनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है, लेबर देनी पड़ती है, ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। लेकिन इसका दूसरा सबसे बुरा एस्पेक्ट ये है कि जहाँ पे भी डैम कंस्ट्रक्ट करना होता है, उस एरिया की, उस इकोसिस्टम की जो लाइफ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है वाटर रिजर्वायर बनाने के लिए। तो उस जगह से वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनको हटाना पड़ता है, वहाँ से फौज़ आए। इस तरह से जो डैम्स हैं इनका फ़ायदा भी है और नुकसान भी। लेकिन एक बार चलिए वर्किंग देख लेते हैं। ये एक वाटर रिजर्वायर है और यहाँ पे गेट्स लगे हैं जहाँ से हम लोग अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग वाटर को रिलीज़ कर सकते हैं। तो अब इन गेट्स को जब खोला गया तो वाटर यहाँ से चला, और यहाँ से चलता चलता वाटर ने क्या किया कि इस टर्बाइन को घुमाना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ कि इस टर्बाइन के घूमने से इस पावर हाउस में एनर्जी जनरेट हुई, जिसको इस पावर लाइन के थ्रू सिटी में प्रोवाइड करा दिया गया। और ये जो वाटर यहाँ से निकला, इसके कैनाल्स और रिवर्स बना दिए गए,
जिससे कि बहुत दूर दूर तक के इलाकों को पानी पहुंचाया जाने लगा। इस तरह से हम लोग पावर प्लांट से एनर्जी जनरेट कर सकते हैं हाइड्रो पावर की हेल्प से। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जिनको हम लोग ओवरकम नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो हमारे कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेज थे उनमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की गई ताकि हम लोग उनसे आने वाले बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकें और उनसे जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं उनको अवॉइड कर सकें। उसी की दो बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं हमारा, ये है एक बायोगैस प्लांट, और ये है एक विंड मिल। अब हम लोगों का जो बायोगैस प्लांट होता है इसको एक एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो इससे हम लोगों को फ्यूल मिलता है, दूसरा इससे हमारा जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है वो रिसाइकल होता है, और इसका खुद का कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। वो कैसे कि ये एक बायोगैस प्लांट का आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है। इसमें इस साइड से हम लोग स्लरी को ऐड करते हैं। स्लरी क्या होती है? हमारे डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में डिजोल्व किया हुआ, जिसमें हम लोगों का घरों का वेस्ट, सीवेज वेस्ट, खाना, फ्रूट, वेजिटेबल, इन सब चीज़ों का वेस्ट आता है। स्लरी को इस साइड से ऐड किया और उसके बाद वो यहाँ इस कंटेनर में पहुँच गया। अब ये जो कंटेनर है पूरा का पूरा एयर टाइट है। एयर टाइट का मतलब क्या है कि इसके अंदर ऑक्सीजन कहीं से भी एंटर नहीं कर सकती। तो उससे क्या होगा कि जब यहाँ पे ऑक्सीजन एंटर नहीं करेगी तो ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, जो एनएरोबिक यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करते हैं। तो वो वाले बैक्टीरिया जो हैं इस स्लरी को डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे। इस स्लरी को डाइजेस्ट करते हुए जब